Hello students, welcome to the account class. Myself Rupi Trivedi from NCMS Jhabua. Today we are going to start our one more new chapter, chapter 4, basis of accounting. So there are two basis of accounting, cash basis of accounting and accrual basis of accounting. Okay, so cash basis of accounting ka meaning kya ho gaya? कि जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस कैश में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है. और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया? तो जहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं. ओके, तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें इन दोनों में से किसी एक बेस को फॉलो करना रहता है. तो हम आज इस वीडियो में इसी बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वी विल टेक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली वैन कैश इज रिसीव और पेड. एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड वैन अ पेमेंट और रिसिप्ट इज मेरली ड्यू. ओके, अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो आप किसी ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करोगे? तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो आप किसी ट्रांजेक्शन्स को तब रिकॉर्ड करोगे जब आपने उस ट्रांजेक्शन के सेंस में कैश को रिसीव कर लिया है या कैश की आपने पेमेंट कर दी है. फॉर एग्जांपल कि आपने गुड्स को सेल किया, तो अगर आपने गुड्स को सेल किया तो अब आप कैश भी रिसीव करोगे, है ना. उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो आप अमाउंट रिसीव करोगे. तो अगर आपने उस सेल के बदले में आपने अमाउंट रिसीव कर लिया है तो ही आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे. और अगर आपने गुड्स तो सेल कर दिया लेकिन अमाउंट रिसीव करना अभी आपका ड्यू है, अभी आपने अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यहाँ पर कैश एक तरीके से मेन रोल प्ले करती है. तो इसलिए जब तक आपको कैश रिसीव ना हो जाए या जब तक आप कैश में, अगर आपको पेमेंट करना था तो आप कैश में पेमेंट ना कर दें, तब तक आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे. ओके, तो लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड ओनली व्हेन दे हैव been paid. Okay, and the difference between the total income and total expenses represents profit or loss of a concern of a particular accounting period. ये आपकी income के sense में था, ये आपको payment करना था. अब अगर expenses की बात की जाए तो expenses का भी यही fund आप use करोगे कि अगर आपको expenses करने थे तो आपके expenses तो हो गए, लेकिन उस expenses के बिहाफ में आपको जो amount pay करना था, उस expenses के लिए आपको जो amount pay करना था वो amount अभी तक आपने pay नहीं किया है. तो जब तक आप वो अमाउंट पे नहीं कर देते तब तक आप उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करोगे. आपने एक्सपेंसेस अभी किए हैं और अभी के अभी उस एक्सपेंसेस के लिए आपने पे भी कर दिया अमाउंट, तो ही आप उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे. तो इस तरीके से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सारे कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. जब आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तभी आपने कैश रिसीव कर ली है तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, या आपने कैश पेमेंट कर दी है तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे. अगर कैश रिसीव करना या कैश पेमेंट करना अगर ड्यू है तो आप उस ट्रांजेक्शन को इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे. ठीक है, वैसे ही सारे कैश या इनकम और सारे कैश एक्सपेंसेस को जब आप रिकॉर्ड कर देते हो और उसके बीच में जब आप डिफरेंस आता है, जब आप डिफरेंस को कैलकुलेट करते हो, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका या तो प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा. तो इस तरीके से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की जाती है. नोट, अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो उस सेंस में आपको कुछ पॉइंट याद रखने चाहिए. ओके, वो पॉइंट आपको याद होने चाहिए जो कि यहाँ पर एज ए नोट यहाँ पर शो कर रखा है. तो वो क्या चीज़ें जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है? दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस एंड एक्रूड इनकम आर नॉट कंसिडर्ड. ओके, तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं किए जाते हैं. वो एडजस्टमेंट आपके क्या होंगे? तो मेनली आपके 4 एडजस्टमेंट्स होते हैं. वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं लेकिन मेनली यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट बताए गए हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम. तो इनका जो मीनिंग है ये ऑलरेडी हम टर्मिनोलॉजी जब हमने बेसिक टर्म जब डिस्कस किए थे तो वहाँ पर ऑलरेडी इनका मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. ठीक है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट है तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम वो एडजस्टमेंट नहीं करते हैं. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब एंड स्कूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस. तो कैश बेसिस मतलब क्या हो गया? सारे ट्रांजेक्शन्स कैश में ही होना. तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को
जो बिज़नेस फॉलो करते हैं या जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो एज ए एग्जाम्पल हम देखें तो जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है, ओके, जहाँ पर कैश के कैलकुलेशन के लिए वहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ताकि पता चल सके कि हमने कितना कैश रिसीव कर लिया है और कितनी कैश की पेमेंट कर दी है, ओके. तो ये था आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, देर आर 3 एडवांटेजेस रिलेटेड टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो हम देखते हैं कि वो 3 एडवांटेजेस क्या हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के. फर्स्ट, इट इज़ वेरी सिंपल एज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट्स नहीं किए जाते हैं, तो एडजस्टमेंट की एंट्री भी नहीं होगी. इस वजह से ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि इसमें आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ कैश रिसीव करना और कैश की पेमेंट करना. तो ये एक तरीके से यूज़ करने में बहुत सिंपल होती है. सेकंड, दिस अप्रोच इज़ मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो ये वाली जो बेसिस होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ ये ज़्यादा मोर ऑब्जेक्टिव होती है. मोर ऑब्जेक्टिव क्यों होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो एस्टिमेट्स पे चलती है, तो यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ ही साथ ज़्यादा जजमेंट की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है. ओके, थर्ड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस. तो ऐसे इंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर मोस्टली या सारे के सारे ट्रांजेक्शंस कैश में होते हैं, वहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल होता है. ओके, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप फॉलो करते हो तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस है. फर्स्ट, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, एडवांस है, ये जो हमारे एडजस्टमेंट है, इन एडजस्टमेंट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम इन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में. इस वजह से जो प्रॉफिट और लॉस हमें रिसीव होता है, या प्रॉफिट और लॉस हम जो कैलकुलेट करते हैं, या जो हमारी फाइनेंशियल पोजिशन रिप्रेजेंट होती है, शो होती है हमारे अकाउंटिंग में, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से ट्रू और फेयर नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली जो एडजस्टमेंट उनको तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है. तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है. फिर सेकंड, इट डज नॉट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. तो ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को भी फॉलो नहीं करती. तो मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या होती है, तो हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ओके, एजम्पशंस पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहाँ पर एक था मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट. तो मैचिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर जो रेवेन्यू है उसको एक्सपेंसेस से मैच किया जाता है, मतलब रिवेन्यू को भी आपको रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को भी आपको रिकॉर्ड करना है. अब रिवेन्यू मीन्स क्या हो गया, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. रिवेन्यू मीन्स क्या हो गया कि अगर आपने गुड्स को सेल किया तो सेल करने पर आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू. और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब आपने गुड्स को सेल किया तो आपको रिवेन्यू रिसीव हुआ, तो ये गुड्स को आप परचेस करके लेकर आए, परचेस करके लेके आने में, आपके शॉप तक लाने में जो एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, वो रेवेन्यू को जनरेट करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं. तो जब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको उसके एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना है, दोनों को मैच करके चलना पड़ता है. लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश बेस पर ही होते हैं, कैश में ही होते हैं, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं. तो वहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको तो प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी होता ही नहीं है. प्रॉफिट हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक. तो ऐसी कंडीशन में वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा है तो एक्सपेंसेस कैसे मैच करेंगे. तो इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाता है, मैचिंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं किया जाता. थर्ड, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट्स फॉर द टू कंपेरेबल ईयर्स. ओके, मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपने एक गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ा था, गोइंग कंसर्न
एजम्पशन थी हमारी कि हम ये सोच कर बिज़नेस करते हैं कि हमारा बिज़नेस कभी स्टॉप नहीं होगा, ईयर आफ्टर ईयर चलता ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, असेट्स को भी करंट असेट्स फिक्स्ड असेट्स में क्लासिफाई करते हैं। वैसे ही हमारे जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस है, उनको भी हम टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है कि कैपिटल, और सेकेंड हो जाता है रेवेन्यू। कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो हम इन्हें कैटेगराइज क्यों करते हैं, क्योंकि हम बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वहाँ पर हमें जो भी प्रिंसिपल्स हैं, एजम्पशंस हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू को अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया जाता। यहाँ पर बस एक ही दो ही चीज़ चलती है, कैश रिसीव किया और कैश पेमेंट किया। तो यहाँ पर एक तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू को अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया जाता है, उन्हें सबको एक साथ ही लेकर चला जाता है। तो इस वजह से जो प्रॉफिट हम रिसीव करते हैं या रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट एक तरीके से ट्रू नहीं होता है। और इस वजह से जो अगर हम अपने इस ईयर की नेक्स्ट ईयर से कंपैरिजन अगर करना चाहिए, या लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करना चाहिए, टू ईयर को लेकर कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो कंपैरिजन भी एक तरीके से ट्रू नहीं हो पाता, फेयर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। ओके, अब हमने अभी जो पढ़ा है वो क्या था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो उसमें अकाउंटिंग आप किस तरीके से करते हो, उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, वो हम देख लेते हैं। ओके, देर आर सम इन्फॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ ₹3,90,000, ओके, एंड क्रेडिट सेल्स ₹1,60,000। तो अशोक है, ओके, उसने कैश सेल किया, गुड्स को सेल किया और कैश रिसीव किया। तो कैश सेल्स उसकी कितनी हो गई, 3,90,000, और क्रेडिट सेल्स मतलब उधार में उसने कितना गुड सेल किया, 1,60,000। तो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ कैश के जो पॉइंट हैं उन्हीं पर ध्यान देंगे, बाकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे या क्रेडिट जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 160 इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 390 इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000, मतलब इस ईयर में उसने ये 3,90,000 का रेवेन्यू जनरेट करने में 2,70,000 के एक्सपेंसेस किए। ओके, आउट ऑफ विच ₹80,000 इज स्टिल टू बी पेड। तो 270 में से अभी भी 80,000 के एक्सपेंसेस पे करना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये जो 80,000 पे करना बाकी है, मतलब ये कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, अभी भी ड्यू है। तो इसको आप ध्यान में ही नहीं दोगे, आप क्या करो कि आपके लिए 2,70,000 इम्पोर्टेंट है कि टोटल जो एक्सपेंसेस थे आपके 270 थे, लेकिन 80,000 उसमें से पे करना अभी भी बाकी है। मतलब टोटल आपने एग्जैक्टली मतलब एक्चुअल में आपने कितना एक्सपेंसेस पे किया होगा, 270 टोटल थे उसमें से 80,000 पे करना बाकी है। मीन्स 270 में से 80 को आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1,90,000। मीन्स आपने जो कैश में एक्सपेंसेस किए हैं वो कितने हैं, 1,90,000। फिर फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर आपको अशोक की इनकम फाइंड आउट करना है कि उसकी इनकम क्या होगी। ओके, तो हम करते हैं, यहाँ पर नोट भी दे रखा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को आपको इग्नोर करना है। तो क्रेडिट सेल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कैश सेल्स थी, है ना, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही आपको लेना है। तो कैश सेल्स थी हमारी 390, तो हमने ये जो 390 है ये हमने गुड सेल किया तो हमको रिसीव हुआ। तो गुड सेल करने पे जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, रेवेन्यू। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि रेवेन्यू कितना है हमारा, 390। ओके, उसके बाद एक्सपेंसेस कैश में कितने किए, तो टोटल 270 एक्सपेंसेस थे, जिसमें से 80,000 की पेमेंट करना अभी भी बाकी है। तो एक्चुअल में कैश में आपने कितनी पेमेंट की होगी, 1,90,000, ठीक है। अब आपके पास रेवेन्यू है 390, रिसीव आपने 390 किया, उसमें से एक्सपेंसेस पे आपने 190 किया, तो लास्ट में जो अमाउंट बचा है वो कितना है, 2,00,000। तो ये 2,00,000 क्या हो गई, नेट इनकम हो गई, किसकी, अशोक। ओके, तो इस तरीके से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करते हैं। देन वी टेक एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो जिस तरीके से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज रिकनाइज एज सेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश हैज़ बिन रिसीव और नॉट। ओके,
तो एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग को, मतलब अगर आप अकाउंटिंग के लिए एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही साथ एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किसी ट्रांजेक्शन को आप कब रिकॉर्ड करोगे, तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम किसी ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। ओके, मतलब अगर आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ट्रांजेक्शन हुआ बस उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। जैसे अगर आपने अभी गुड्स को सेल किया, तो आपने गुड्स को सेल किया है तो आपको अमाउंट रिसीव करने का भी राइट मिल जाता है। लेकिन बाई चांस के आपको अभी कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो अभी रिसीव नहीं हुआ है तो क्या हुआ, बाद में आप रिसीव कर लोगे। लेकिन ट्रांजेक्शन कब हुआ है, आज हुआ है, तो आप इस सेल को आज ही रिकॉर्ड कर लोगे भले ही आपने कैश रिसीव किया हो या नहीं किया। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कब हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, कैश रिसीव करना या कैश पेमेंट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम उसी डे को, उसी टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है, ना कि तब जब कैश हमने रिसीव किया है या कैश हमने पेमेंट किया। ओके, तो ये सीधा सा इसका फंडा था। फिर सिमिलरली, इफ़ एन एक्सपेंसेस हैज़ बीन इंकर्ड बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंसेस। ओके, जैसे एक्सपेंसेस के सेंस में भी यही चीज़ कंटिन्यू करोगे आप कि एक्सपेंसेस के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो एक्सपेंसेस हो गए, आज आपने एक्सपेंसेस किए, तो आप उस एक्सपेंसेस को, उन सारे एक्सपेंसेस को आज ही रिकॉर्ड कर दोगे, भले उस एक्सपेंसेस के लिए, उन जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं उन एक्सपेंसेस के लिए आपने पे आज नहीं किया है, आप कुछ टाइम बाद में अगर पे करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आज एक्सपेंसेस किए तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे आपको रेंट पे करना था इस मंथ का, लेकिन इस मंथ आपको रेंट पे करना था लेकिन आपने रेंट तो पे किया नहीं, लेकिन आप रिकॉर्ड उसको आज ही कर लोगे। ठीक है, या आपको किसी से रेंट लेना था, तो सामने वाला भले आपको आज रेंट दे के नहीं गया, लेकिन आज आप उसको, उस आप जब उसकी अकाउंटिंग करोगे उस रेंट के सेंस में, तो उस रेंट को आप आज ही रिकॉर्ड कर लोगे, भले आपका अमाउंट ड्यू हो, आपको देना ड्यू हो या सामने वाले से लेना ड्यू हो, आप उसको एज ए ड्यू ही उसको रिकॉर्ड कर लोगे, भले वो अमाउंट आप बाद में पे करो। मतलब ये रेंट का अमाउंट आपको आज पे करना था, आपने आज रिकॉर्ड कर लिया, अब अमाउंट अगर आपने आज पे नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब बाद में पे करोगे तो तब भी आप उसको ड्यू से एक तरीके से कैश में आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन इस एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लोगे जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है, एक्सपेंसेस भी आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्सपेंसेस हुए हैं, भले ही आपने पेमेंट की हो या नहीं की हो। ओके, अब जैसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस थे, वैसे एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, मीन्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंपेरिजन में जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ज़्यादा साइंटिफिक है। ओके, सेकंड, इट शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एज इट टेक्स इनटू अकाउंट एंड इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पीरियड एज वेल एज एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ सारे एडजस्टमेंट्स भी हम एडजस्ट करते और रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे एडजस्टमेंट्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए एक तरीके से हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी एक तरीके से ट्रू पिक्चर शो होती है। ओके, फिर थर्ड, इट डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो एग्जिबिट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जगह एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हम नहीं छोड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और उनका इफेक्ट देते हैं। इस वजह से इस अकाउंटिंग में हमें जो प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो एक तरीके से फेयर और ट्रू होती है। ओके, फोर्थ, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर हैज़ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। दिस सिस्टम is followed by most of the industrial and commercial enterprises. तो accrual basis of accounting को ज़्यादा से ज़्यादा लोग accept करते हैं, उसे follow करते हैं, क्योंकि एक तरीके से financial position और profit और loss की true और fair information हम इस accounting में receive करते हैं। Okay, अब इसके disadvantages क्या है? तो फर्स्ट, दिस सिस्टम इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जितना सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की एंट्री की जाती है, तो उतना सिंपल एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। सेकंड, द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबरेट।
अब इलेबरेट हो जाती है, ये जो प्रोसेस है एक तरीके से इलेबरेट हो जाती है। इलेबरेट क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश हो या क्रेडिट हो, साथ ही साथ सारे एडजस्टमेंट्स को भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस थोड़ी इलेबरेट हो जाती है। थर्ड, अ क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कैश एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए, कैश इनकम हमने रिकॉर्ड कर ली, और दोनों को जब हम दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो जो अमाउंट हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता था। लेकिन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्विकली इतनी जल्दी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक भी ट्रांजेक्शन हम नहीं छोड़ते, साथ ही साथ हम सारे एडजस्टमेंट को भी करते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है, इसलिए हम क्विक प्रॉफिट या लॉस एक तरीके से इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, अब ये अगर आप एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो उसके सेंस में एक यहाँ पर इलस्ट्रेशन दे रखा है, तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी वो हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अशोक हैड कैश सेल्स, सेम आपका क्वेश्चन है कि 390,000 की कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स कितने की है, 160। तो यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर हम 390 वाली सेल्स को भी लेंगे और 160 वाली सेल्स को भी लेंगे। फिर टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे आपके, टोटल एक्सपेंसेस है आपके 270, जिसमें से 80,000 अभी भी पे करना बाकी है, लेकिन ये 80,000 किस में इंक्लूडेड है, 270 में। तो यहाँ पर पे करना बाकी हो या पे कर दी हो, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर हम 80,000 को अलग से नहीं देखेंगे, क्योंकि 80,000 270 के अंदर ही इन्वॉल्व है, तो हम डायरेक्ट टोटल ले लेंगे 270। ओके, उसके बाद आपको अशोक की इनकम फाइंड आउट करना है एक्रूअल बेसिस पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको नोट दे रखा है कि आप सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो करनी है, तो इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे तो सबसे पहले टोटल सेल्स, देर आर वी हैव टू सेल्स, कैश सेल्स 390 और क्रेडिट सेल्स 160, दोनों को टोटल किया, टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारे पास, 550, तो ये सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। फिर अब एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस इस पर्टिकुलर ईयर में कितने हुए, 270 के, है ना, 80,000 पे करना बाकी है, लेकिन 80,000 भी 270 में इंक्लूडेड है, तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस 270 हो गए, 550 में से 270 आपने माइनस किया तो 280,000 नेट इनकम हो गई, किस अकाउंटिंग से, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ओके, अब लास्ट पॉइंट हमारा, डिफरेंस आपको बताना है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बेस दे रखा है, फिर एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड, प्रिपेयर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। तो अगर एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और अगर एक्रूड इनकम की बात करें और एडवांस इनकम की बात करें तो इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। लेकिन अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस सबको इग्नोर किया जाता है। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस, तो एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए एक तरीके से करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हमें रिसीव होता है। और अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये एक तरीके से करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाता है, ठीक है। फिर टेक्निकल नॉलेज, तो जिस तरीके से एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, तो उन एडजस्टमेंट का नॉलेज जिनको होगा वही पर्सन उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसलिए अगर एक्रुअल बेसिस की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैश रिसिप्ट हुई है और कैश पेमेंट की है, बस इतना सा ही काम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर फिफ्थ पॉइंट, लीगल पोजिशन, तो जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसे मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, ओके, और एक तरीके से ये रिकग्नाइज की गई है किससे, कंपनी एक्ट 2013, तो कंपनी एक्ट 2013 में इसको मान्यता भी है, तो इस तरीके से मोस्टली लोग इसे ही यूज़ करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किसी भी तरीके से उसको कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, या एक तरीके से कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसे रिकग्नाइज नहीं किया गया, इसलिए कम लोग भी उसे यूज़ करते हैं। फिर एक्सेप्टेबिलिटी की बात की जाए तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ मोर एक्सेप्टेबल, तो ये जो अकाउंटिंग है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा रिलायबल है,
ओके और मोस्टली लोग इसे यूज़ करते हैं क्योंकि एक तरीके से असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड ट्रू इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं, सिर्फ वहीं इंटरप्राइजेज या वहीं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में इस बेसिस को फॉलो किया जाता है। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो जो एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो मोर साइंटिफिक है, मोर रिलायबल है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और एक तरीके से बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन शो होती है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेस रिलायबल है, ठीक है, मतलब कंपेयर किया जाए एक्रूअल से तो एक्रूअल के कंपैरिजन में जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो लेस रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो एक तरीके से बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन हम यहाँ पर पता नहीं कर पाते। ओके, लास्ट सुटेबिलिटी, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर बिजनेस एज इट रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, ज़्यादा सुटेबल रहती है, जहाँ पर मोस्टली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, तो उन यूज़र्स के अकॉर्डिंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सुटेबल रहती है, ठीक है। और सुटेबल होने की वजह से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, क्लब्स है, वहाँ पर इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वहाँ पर इसे यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल होता है। ओके, तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये यहीं पर स्टॉप होता है। ओके, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपका यहीं पर स्टॉप होता है। इसके आगे के जो वीडियो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।